एक्सरसाइज है 4.2 द्विघात समीकरण का, और अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कवर कर लेंगे, तो आप लोग फुल वीडियो देख लीजिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, सो कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया गया है जो कि द्विघात समीकरण है, यानी सबसे हाईएस्ट जो पावर होगा वो स्क्वायर होगा सभी समीकरण में, देख सकते हैं आप लोग। तो उसका हमें मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, यानी अगर हम लोग मूल किसे कहते हैं, मतलब एक्स के जगह उस मूल को बैठाएंगे तो वो समीकरण जीरो आएगा, आप लोग को बाद में समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग इस समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल जीरो। तो इस समीकरण का हम लोग मूल ज्ञात करने के लिए जो बीच वाला संख्या है माइनस थ्री एक्स को मध्य पर विभक्त करेंगे। आई होप आप लोग को ये पता होगा कि मध्य पर विभक्त क्या होता है, और जिसे नहीं पता उसे फिर भी समझा देती हूँ। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे माइनस थ्री एक्स को, अच्छा सिंबल मत देखिए, पहले देखिए थ्री एक्स को दो संख्या में विभाजित करेंगे, दो संख्या में विभाजित करेंगे, और मतलब दो संख्या होगा, अब उस दो संख्या को प्लस या माइनस करके थ्री एक्स आना चाहिए, और गुना करके एक्स ए इंटू सी, ए क्या है यहाँ पे ए वन है, वन इंटू सी, सी क्या है माइनस टेन, और माइनस टेन यानी गुना करके टेन आना चाहिए। यहाँ पे सिंबल आप लोग मत देखिए। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। मतलब क्या है मध्यपक विभक्त क्या होता है, बीच वाले संख्या को हमें दो संख्या में विभाजित करना होता है, जिसमें प्लस या माइनस करके वही संख्या आए, और गुना करके ए और सी का गुणनफल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है मध्यपक विभक्त में थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स को क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स को हम लोग माइनस फाइव एक्स और प्लस टू एक्स लिख सकते हैं। अगर माइनस फाइव एक्स से मतलब फाइव एक्स से टू एक्स घटाएंगे तो थ्री एक्स आएगा, और फाइव को टू से गुना करेंगे तो टेन आएगा, जो कि क्या है ए और सी का गुणनफल है। तो एक्स स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल जीरो। अब इन दोनों पद के बीच कॉमन लेंगे दो पद, अब इसके बीच कॉमन क्या आ रहा है, इसके बीच कॉमन आ रहा है एक्स, और यहाँ पे बच गया एक्स माइनस फाइव। फिर देखिए यहाँ पे प्लस होगा माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स, फिर यहाँ पे कॉमन लेते हैं प्लस टू एक्स माइनस टेन में, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा टू, और यहाँ पे बच गया एक्स माइनस फाइव इज इक्वल जीरो। तो देखिए एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव कॉमन आ गया, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ क्या बच गया एक्स बच गया, और यहाँ प्लस टू बच गया, तो प्लस टू इक्वल जीरो। अब मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, दो पद निकल चुका एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस टू, तो लिखेंगे पहली बार में एक्स माइनस फाइव इज इक्वल जीरो, तो एक्स बराबर हो जाएगा फाइव, यानी इस समीकरण का एक मूल निकल चुका फाइव। अब एक्स प्लस टू है तो एक्स प्लस टू
इक्वल जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टू, यानी दूसरा पद क्या है, माइनस टू, सॉरी मूल क्या है, दूसरा मूल माइनस टू। मूल यानी अगर देखिए पहले मूल यानी फाइव, तो अगर पहला मूल को हम लोग x के जगह फाइव रखेंगे, x बराबर फाइव निकल चुका, अगर इस समीकरण में हम लोग x के जगह फाइव रखेंगे तो जीरो आएगा, और एक बार अगर माइनस टू रखेंगे x के जगह तो भी जीरो आएगा। तो इसे कहते हैं मूल, मतलब अगर हम मान को समीकरण में पुट करेंगे तो उसका जो मान आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो अब देखते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर टू में है 2x² प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल जीरो, प्लस एक्स है, प्लस एक्स यानी 1x, मतलब प्लस एक्स है तो यानी 1x ही है, तो 1x लिख देते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो 2x², अब 1x है, देखिए 1x है, तो 1x को हमें किसी दो संख्या में विभाजित करना होगा, फिर उस दोनों संख्या, मतलब ऐसे दो संख्या में विभाजित करना होगा 1x को, जब प्लस और माइनस करेंगे तो 1x आना चाहिए, और अगर गुना करेंगे तो a और c, a क्या है 2 है, c है 6, 12, और दो संख्या को जब गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए, ये बात है। तो 1x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1x को हम लोग प्लस 4x और माइनस 3x लिख सकते हैं, 4x से 3x को घटाएंगे तो 1x, और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और क्या है माइनस 6 इज इक्वल जीरो। अब इनके और इनके बीच कॉमन लेंगे तो 2x² प्लस 4x, इसमें क्या आएगा कॉमन, 2x आएगा, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3x माइनस 6 में, तो माइनस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया प्लस 2। अब प्लस क्यों होगा, प्लस यहाँ पे क्यों होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखे। सो देखिए कॉमन क्या है, x प्लस टू कॉमन आ रहा है, निकाल लेंगे x + 2, यहाँ पे देखिए 2x माइनस थ्री इज इक्वल जीरो। तो देखिए ये तो निकल गया, अब हमें मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए x + 2 इज इक्वल जीरो, यानी x बराबर माइनस टू, पहला मूल ये निकल चुका, और एक क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल जीरो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3, प्लस में हो जाएगा, दो गुना में था तो भागा में आ जाएगा, यानी 3/2, तो पहला मूल माइनस 2 और दूसरा मूल 3/2, यानी इसका मतलब ये निकलता है कि अगर इस इक्वेशन में x के जगह माइनस 2 को रखा जाए तो इक्वेशन में जीरो आएगा, या फिर x के जगह 3/2 रखा जाए तो इक्वेशन, जो इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो जीरो होगा, यानी दो मूल निकल चुका। फिर देखते हैं थर्ड इक्वेशन में क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल जीरो। अब
प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब 7x को, अब 7x का मध्यपद विभक्त करना है, यानी 7x को एक 7x को दो भागों में बांटना है। और जब दो संख्याओं में बांटना है, ऐसे दो संख्याओं में जिसको अगर प्लस और माइनस करे, प्लस माइनस करे, तो 7x आएगा, इसमें से कोई एक होगा। प्लस करेंगे तो 7x, माइनस करेंगे तो 7x आएगा। दो संख्याओं में बांटना है, और जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करे तो a और c का गुणनफल आएगा। तो a क्या है, a है √2 और c क्या है, तो c है 5 × √2। तब करेंगे मतलब a और c का गुणनफल करेंगे तो दो संख्या का बराबर आएगा। तो देखिए 7x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 7x को 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। 7x को 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x करेंगे तो 7x आएगा, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो a इंटू सी आएगा। देखिए a क्या है, a है √2 और c है 5 × √2। √2 √2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 5 है तो 5 × 10, यानी 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5x प्लस 2x करेंगे तो 7x आएगा, प्लस 5 × √2 लिख देंगे। ऐसे होता है मध्यपद विभक्त। तो कॉमन लेंगे अब इनके बीच और इनके बीच, तो √2 × x² प्लस 2x, इनके बीच कॉमन क्या आ रहा है, इनके बीच कॉमन आ रहा है √2। अब आप लोग सोचिएगा कि कैसे, तो यहाँ पे √2x कॉमन आ रहा है, आप लोग सोचिएगा कैसे, यहाँ पे तो √2 है ही नहीं। तो हम लोग 2 को देखिए, √2 लिख सकते हैं, सॉरी मतलब 2 को √2 √2 लिख सकते हैं, √2 × √2, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं आप कैसे, तो √2 × √2 √4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी लास्ट में तो 2 आया, यानी √2 × √2 = 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं √2x, यहाँ पे हो जाएगा, बच जाएगा x, और यहाँ पे बच गया √2। अब आप लोग चेक कर लीजिए √2x × x, तो √2x² यहाँ पे आ गया। अब √2x और √2 और √2 तो 2 हो जाएगा, 2x यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं 5, बच गया x, 5x प्लस 5 × √2 के बीच ले रहे हैं कॉमन 5, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया √2 = 0। कॉमन क्या है, x प्लस √2, तो कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस √2, और क्या बच गया, √2x प्लस 5। अब जीरो के पद में लिखेंगे मूल निकालने के लिए, एक्स प्लस √2 = 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा −√2। एक निकल गया मूल, दूसरे मूल को निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जीरो के पद में लिखेंगे, तो √2x + 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 5 है तो −5 हो जाएगा, −5 हो जाएगा, और यहाँ पे जो √2 गुना में है वो भागा में आ जाएगा √2। दो मूल निकल चुका, देखिए अब बात आती है कि मूल −√2 निकल गया। अब इस समीकरण में
अगर एक्स की जगह हम लोग अगर -2 रखेंगे तो, और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। फिर अगर हम लोग एक्स के जगह -5/√2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। सो इक्वेशन नंबर 4 में भी वही करेंगे, मध्य के जो संख्या है -x, तो -x यानी 1x लिख देते हैं, समझने में आसानी होगी। सो -1x यानी 1x को हमें दो भागों में विभाजित करना है। जब दो भागों में विभाजित करेंगे तो माइनस या प्लस करके 1x आना चाहिए, और गुना जब करेंगे तो a और c का गुणनफल आना चाहिए, जैसे कि मध्यपक विभव होता है। तो देखिए, तो कि हमें समझना है कि किन दो संख्याओं में विभाजित करेंगे। तो 2x² को, सॉरी मतलब 2x², अब -1x को अगर हम लोग -1/2 × x और +1/2 × x इन दोनों संख्या में विभाजित कर दे तो 1x आ जाएगा, 1x आ जाएगा। और अगर गुना करे तो a और c का गुणनफल आ जाएगा। तो दो भागों में विभाजित हो चुका, और +1/8 है। एक मिनट, +1/8 लिख देंगे, इक्वल 0। अब कॉमन लेंगे इनके बीच और इनके बीच, तो 2x² -1/2x, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 2x, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 1/4। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ तो 4 है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 है, और यहाँ पे 2 भी यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो 4 कैसे आया। तो अगर 2 को हम लोग मतलब गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 1/2 × x +1/8, अब इनके बीच कॉमन क्या रहा है, इनके बीच कॉमन ले लेंगे हम लोग 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे 1/8 है तो यहाँ पे करेंगे 1/4 = 0। तो कॉमन आ रहा है x-1/4, यहाँ पे x-1/4 तो कॉमन निकाल लेंगे, और क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2/x और -1/2 माइनस ही होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मूल निकालने के लिए 0 के पद में लिखेंगे x-1/4 = 0, तो x बराबर हो गया 1/4, और इस पद को भी 0 के पद में लिख लेते हैं 2x-1/2 = 0, तो x बराबर देखे -1/2 है तो +1/2 हो जाएगा, और ये जो 2 गुना में था ये भागा में चेंज हो जाएगा, यानी x बराबर 1/4। बहुत आसान था ये, x बराबर एक मूल निकल चुका 1/4 और दूसरा मूल भी निकल चुका 1/4, यानी 1/4 के अलावा इस इक्वेशन के लिए दूसरा कोई और मूल नहीं है। यानी मतलब निकलता है कि
अगर इस इक्वेशन में x के जगह 1/4 रखेंगे तभी उसका मान 0 आएगा, और किसी भी संख्या को रखेंगे तो उसका मान 0 नहीं आएगा। तो अब लास्ट इक्वेशन बचा है उसे भी देख लेते हैं, वो बहुत इजी है। क्या है? 100x² - 20x + 1 = 0। अच्छा, तो अब देखिए द्विघात समीकरण का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx × c। ध्यान में रखिएगा आप लोग ये चीज। तो 100x² तो हो गया, अब -20x - 20x को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, दो ऐसी संख्या में विभाजित करना है जो माइनस या प्लस करके 20x आना चाहिए और गुना करके a और c का गुणनफल आना चाहिए। तो a क्या है, c क्या है? a है 100x और c है +1। तो 100 × 1 100 100, a इंटू सी क्या है 100 है। तो यानी जब दो संख्या में विभाजित करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 100 आना चाहिए, लेकिन प्लस और माइनस करके -20x आना चाहिए। तो क्या है वो दो संख्या? तो -10x करेंगे और -10x करेंगे। देखिए -10x - 10x - 12x हो जाएगा, और 10x 10x गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब दो संख्याओं को गुना करेंगे 10 और 10 तो 100 आ जाएगा। +1 है +1 = 0। अब इनके बीच कॉमन लेंगे, जैसा कि करते आए हैं। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 10x, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 10x और यहाँ पे बच जाएगा -1। इसके बीच कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बच गया 10x - 1। -1 होगा क्योंकि माइनस है प्लस है, +(-)= 0। तो कॉमन निकल जा रहा है 10x - 1, यहाँ भी 10x - 1, यहाँ भी 10x - 1 कॉमन निकाल दिए, बच गया 10x - 1। देखिए दोनों ही पद सेम आया, यानी दोनों ही मूल सेम आएगा। तो इन दोनों पदों को जीरो के पद में लिखेंगे, 10x - 1 = 0। तो x बराबर हो जाएगा, -1 है तो 1, और 10 गुना में था तो भागा में, 1/10। अब दूसरा मूल निकालते हैं, वही आएगा लेकिन फॉर्मेलिटी है कि करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो लिख दे रहे हैं, तो 1/10। तो दोनों ही मूल सेम आएगा, सेम आया। इसका मतलब ये निकलता है कि इस इक्वेशन का एक ही मूल है जो कि है 1/10।